आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी तब उसे पत्ते की महल की तरह गिरा देते थे। कांग्रेस ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और मर्जी मुजब लिखवाया और खुद का ही महिमा मंडन करवाया। कांग्रेस की माने तो तब लोकतंत्र ठीक चल रहा था, फल फूल रहा था, ऐसे वो मार रहे गप्पे। लेकिन जैसे ही गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस अफवाह फैलाने लगी कि मोदी आया है, संविधान और लोकतंत्र पे खतरा हो जाएगा। ये कांग्रेस वाले आपको पता नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान है ना, उसके कारण तो मोदी यहां पहुंचा है। अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 14 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 19 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 370 के लिए भी बोलते थे, आग लगी क्या? बस देश को डराओ, घबराओ, भ्रम फैलाओ। भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। और ये जलन भी मोदी के कारण नहीं है, ये जलन 140 करोड़ देशवासियों का मोदी के प्रति प्रेम के कारण है। वो ये प्रेम भी सहन नहीं कर पा रहे। भाइयों बहनों, ये लोग 10 साल से सत्ता से बाहर है, 10 साल में ऐसे छटपटा रहे हैं, ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे उनका सब कुछ लूट गया, उनकी भावी पीढ़ियों का ही जैसे लूट गया। और कांग्रेस वाले अगर यही कारनामे करते रहेंगे ना, उनका तौर तरीका यही रहेगा, तो ये जलन उनको इतनी जला देगी, उनको इतनी जला देगी कि देश आगे कभी मौका देने को तैयार नहीं होगा। और इसका कारण साफ है, आप दुनिया की स्थिति देख रहे हैं, युद्ध हो, अराजकता हो, अनिश्चितता की स्थिति, चारों तरफ एक धुंधला वातावरण बन गया है, आशंका का वातावरण बन गया है, हर कोई भय के साए में दुनिया में रह रहा है। कब क्या होगा, कौन सी मुसीबत आएगी, दुनिया थर थर कांप रही है। ऐसी दुनिया के लिए
एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। भारत आज और अधिक मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भाजपा और भारत, भाजपा भारत की सेवा में इसलिए लगा है क्योंकि भारत मजबूत बने, भारत सशक्त बने। अब मुझे बताइए, ये काम क्या एक अस्थिर, कमजोर, भ्रष्ट, स्वार्थी नेताओं का इंडी गठबंधन मजबूती का काम कर सकता है क्या? देश को मजबूत बना सकता है क्या? अरे जो पार्टी खुद को मजबूत नहीं बना सकती, वो देश को क्या मजबूत बनाएगी? आप मुझे बताइए भाइयों, शक्तिशाली भारत कौन बना सकता है? शक्तिशाली भारत कौन बना सकता है? मजबूत भारत कौन बना सकता है? सामर्थ्यवान भारत कौन बना सकता है? समृद्ध भारत कौन बना सकता है? शक्तिशाली भारत कौन बना सकता है? मैंने इतने सारे सवाल पूछे, मैं सोच रहा था आप लोग सही जवाब देंगे, लेकिन आपने तो हर बार गलत जवाब दे दिया। ये मोदी नहीं, ये आपका एक वोट कर सकता है, आपका वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है जो देश को ताकतवर बनाएगी, आपके वोट की ताकत है जो देश को शक्तिशाली बनाएगी।